हेलो ट्रेडर्स, तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। और अपना जो भी आपने बाइनरी ट्रेडिंग या फिर शेयर मार्केट में लॉस किया है उसको आप रिकवर करने के लिए पूरा कोशिश करते होंगे, ठीक है। तो चलिए, आज जो है फोर्थ डे है। जैसे कि आपको पता ही होगा, मैं यहाँ पे जो है 3 दिन से लगातार लॉस कर रहा हूँ और 500 करके मैं 3 दिन लॉस किया। रूल मेरा एक ही है, मेरा इतना कम लॉस क्यों हो रहा है। मैंने 5000 से स्टार्ट किया था, अभी 3494 रुपया है, ठीक है। तो मेरा यहाँ पे जो है इतना लॉस कम क्यों हो रहा है, मैं इसका आपको लॉजिक जो है समझा देता हूँ। जो भी मैं रूल पे काम कर रहा हूँ उस रूल को मैं आपको बता देता हूँ। मेरा जो रूल है क्या है, पहला जैसे मैं ट्रेड लिया, प्रॉफिट हुआ, नेक्स्ट ट्रेड प्लेस करेंगे, प्रॉफिट हुआ, मतलब कह सकते हैं कि जब तक प्रॉफिट होते रहेगा तब तक हम ट्रेड करते रहेंगे। और जैसे ही मार्टिंगल लॉस हुआ, मार्टिंगल किसको बोलते हैं आप, जैसे पहला ट्रेड लॉस हो गया, जैसे एग्जांपल में लेते हैं 200 रुपीज़ का लॉस हो गया, तो वहाँ पे हम जो है मार्टिंगल यूज़ करेंगे 2 के जगह पे 400 रुपीज़ का, तो वो मार्टिंगल मेरा हो जाएगा। और जैसे वो मार्टिंगल मेरा लॉस होता है हम वहाँ पे ट्रेडिंग क्लोज कर देंगे, ठीक है। प्रॉफिट मेरा जितना हो हम उस पर डिपेंड नहीं रहेंगे, बट लॉस पे हम पूरा पूरा फोकस रहेंगे। जैसे मेरा मार्टिंगल लॉस होगा हम ट्रेड को क्लोज कर देंगे। अगर मैं आपको कल का दिखाऊं तो देखिए, पहला ट्रेड मैंने जैसे लिया तो मेरा यहाँ पे प्रॉफिट में हुआ, अगेन मैंने 200 रुपीज़ का ट्रेड प्लेस किया, लॉस हुआ। फिर मैंने मार्टिंगल ट्रेड प्लेस किया, 200 का दो ट्रेड प्लेस किया, ये मेरा लॉस जैसे हुआ मैंने ट्रेडिंग सेशंस को जो है क्लोज कर दिया। तो आज फिर से हम आ चुके हैं, अभी फिलहाल 3494 है, आज सेम चीज़ फिर से हमको करना है। मतलब ये अकाउंट जब तक खाली ना हो जाए तब तक हमको मार्टिंगल पे ही ट्रेड क्लोज करना है, बाकी जितना बनेगा बनाएंगे। इससे क्या होगा, अपना प्रैक्टिस अच्छा होगा, एंड जैसे मार्टिंगल पे लॉस होता है तो अपना जो भी रूल है उसको फॉलो करेंगे तो आगे चल के हम ही को मतलब जो है इसका आदत बन जाएगा कि जैसे मार्टिंगल खत्म होगा, मार्टिंगल लॉस होगा तो हम यहाँ पे ट्रेड क्लोज कर देंगे। तो इस तरीके का आदत जब बन जाएगा तो हम रियल अकाउंट में भी सेम चीज़ को फॉलो करेंगे, जिससे अपना जो लॉसेस है वो बहुत ही कम होगा। प्लस जो है ये वीडियो, इससे क्या होगा, एनालाइज हो रहा है, हम मार्केट को सीख रहे हैं, इस तरीके से हम यहाँ पे प्रेडिक्शन भी कर रहे हैं, ठीक है। तो अपने को पता चल रहा है कि यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं लाइव अकाउंट में। जब मैं लाइव डेमो अकाउंट को मैं लाइव के जैसा यूज कर रहा हूँ तो सेम चीज हम जब लाइव में आएंगे, अभी तो फिलहाल मेरा डेमो जाएगा, बट जैसे हम लाइव में आएंगे तो इसका जो मेरा आदत बना रहेगा तो ये चीज बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। चलिए, अगर ये कैंडल यहाँ पे जो है ग्रीन बनता है तो हम डाउनवर्ड डायरेक्शन के लिए ट्रेड प्लेस करेंगे, ये मैं आपको पहले ही बता दिया, ठीक है। जैसे ये कैंडल ग्रीन बनेगा तो हम डाउनवर्ड डायरेक्शन के लिए 200 रुपीज़ का ट्रेड प्लेस करेंगे, ओके। अभी देखिए, ये 30 दिन के अंदर में जो है मेरा देखिएगा कितना ज़्यादा जो प्रॉफिट रेशियो होगा वो बढ़ जाएगा। अभी देखिए, मैं 3 दिन से लगातार लॉस कर रहा हूँ, बट मेरा देखिएगा धीरे धीरे जो है वो मेरा यहाँ पे प्रॉफिट रेशियो बढ़ जाएगा। चलिए, मैं एक ट्रेड प्लेस करता हूँ डाउनवर्ड डायरेक्शन के लिए, जबकि यहाँ पे ये कैंडल जो है इंगल्फ किया है। मैंने यहाँ पे ट्रेड प्लेस क्यों किया, इसका मैं आपको लॉजिक समझा देता हूँ, ठीक है। लॉजिक मेरा एक ही था, मैंने यहाँ पे ट्रेड प्लेस कर रखा है, एक ट्रेड मेरा प्लेस हो चुका है। तो यहाँ पे देखिए, मैं आपको लॉजिक समझा देता हूँ। वैसे यहाँ पे लॉजिक क्या है, पहला देखिए यहाँ पे क्या चल रहा था, रेड ग्रीन इस तरीके से इसका पैटर्न चल रहा था। देन उसके बाद इस कैंडल ने यहाँ पे इस पैटर्न को तोड़ दिया, ठीक है। एंड उसके बाद यहाँ पे जो है मेरा एक पैटर्न बन गया, क्या बना, ग्रीन, दो रेड, नेक्स्ट कैंडल यहाँ पे ग्रीन बना, तो इस कैंडल को यहाँ पे रेड बनना चाहिए। अब यहाँ पे रेड, मैं यहाँ पे 75% ही लेता हूँ कि यहाँ पे रेड बनेगा। कारण मैं इसका समझा देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे ये जो लेवल है इसमें थोड़ा सा गैप है, तो हो सकता है इसको फिल करने के लिए मार्केट यहाँ पे आ जाए, वो भी 25% ही, मतलब ऊपर जाने का चांस सिर्फ 25% है, लेकिन मेरा विनिंग रेशियो जो है यहाँ पे, मेरा जो पैटर्न है वो यहाँ पे 75% है। इसीलिए मैंने यहाँ पे डाउनवर्ड डायरेक्शन के लिए एक ट्रेड प्लेस किया है। तो यहाँ पे जो है मेरा ट्रेड लॉस हो चुका है, अब मैं यहाँ पे जो है मार्टिंगल ट्रेड लूंगा एंड देखता हूँ क्या होता है। पहला ट्रेड तो अपना लॉस हो गया, अभी भी यहाँ पे जगह है तो यहाँ पे मैं ट्रेड प्लेस नहीं करूंगा, और जैसे इस लेवल को ये टच करेगा देन हम यहाँ पे ट्रेड प्लेस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम ट्रेड प्लेस अभी फिलहाल नहीं करेंगे, क्योंकि हो सकता है ये जो लेवल है यहाँ पे, इस लेवल को ये फुलफिल करने के लिए आ सकता है, इसीलिए मैंने यहाँ पे ट्रेड प्लेस नहीं किया। वेट करेंगे, अपने को अपॉर्चुनिटी मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे अब देखिए हमको क्या लग रहा है, जैसे ग्रीन, दो रेड, अब यहाँ पे दो रेड एक ग्रीन बन, सॉरी रेड बन रहा है, तो यहाँ पे एक कैंडल जो है इस लाइन पे अगर क्लोज देता है तो हम यहाँ पे जो है अप डायरेक्शन के लिए एक ट्रेड प्लेस करूंगा, वो भी अपने को पता चलेगा या फिर ट्रेड मिलेगा तो, नहीं तो मार्केट हो सकता है इस लेवल को टच करने के लिए फिर से यहाँ पे जो है
रेड कैंडल दिख जाए, इसीलिए मैं थोड़ा सोच समझ के आपकी बार ट्रेड प्लेस करूंगा। बिकॉज यहाँ पे लगातार मैंने 4 से 5 ट्रेड ही किया है एंड मेरा जो है सेशन क्लोज हो जाता है, तो हम थोड़ा सोच समझ के ट्रेड करेंगे, ठीक है। चलिए रिवर्सल पे ट्रेड करेंगे, जैसे यहाँ पे कहीं भी कोई भी पैटर्न को फॉलो नहीं करेंगे, जैसे कोई भी SNR जैसे टच करेगा देन हम यहाँ पे ट्रेड प्लेस करेंगे। ओके तो वेट करते हैं। देखिए यहाँ पे मैंने जो प्रिडिक्शन किया था, क्या किया था, मार्केट यहाँ से ऊपर जा सकता है, लेकिन देखिए यहाँ पे हो क्या रहा है। मैंने दोनों चीज बोला था, या फिर यहाँ पे इस लेवल को टच करने के लिए आ सकता है या फिर यहीं से एक ग्रीन कैंडल आ सकता है, लेकिन यहाँ पे क्या किया मैं आपको इसका लॉजिक समझाता हूँ। देखिए कैंडल तो यहाँ पर से अब गया, लेकिन क्या किया इस लेवल से यहाँ पे मार्केट जो है रिटेस्ट करके नीचे आ गया। अब इस लेवल को ये टच करेगा देन हम यहाँ पे अपवर्ड डायरेक्शन के लिए ट्रेड प्लेस करेंगे, एक नहीं मार्टिंगल अपने को ट्रेड प्लेस करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे पहला ट्रेड अपना लॉस हो चुका है। तो सोच समझ के ट्रेड करेंगे, अभी भी यहाँ पे एक कैंडल यहाँ पे ग्रीन बन सकता है, सॉरी रेड बन सकता है इस लेवल को टच करने के लिए, तो यहाँ पे ये टच हो जाएगा तभी हम ट्रेड प्लेस करेंगे, वरना नहीं करेंगे, ठीक है। चलिए अभी हम थोड़ा देर यहाँ पे मार्केट को देखते हैं क्या कर रहा है। वैसे अभी यहाँ से देखिए लगातार यहाँ पे जो है ट्रेंडिंग मार्केट चल रहा था, देन उसके बाद यहाँ से इस लेवल को ये रिटेस्ट किया, अगेन यहाँ पे ट्रेंडिंग मार्केट गया, फिर इस लेवल को रिटेस्ट करने के लिए आ रहा है, तो ये कैंडल जो है यहाँ पे रेड बन सकता है, और जैसे रेड बनेगा देन हम यहाँ पे जो है अगर मार्केट जो है इस लेवल में आके क्लोज करता है इसके अंडर में, तो हम यहाँ पे जो है अपवर्ड डायरेक्शन के लिए 2 ट्रेड प्लेस करने वाले हैं। तो वेट करते हैं, मार्केट तो फिलहाल उस लेवल तक आ चुका है, अभी अपने पास यहाँ पे 13 सेकेंड है, मार्केट यहाँ तक भी आएगा तो हम अपवर्ड डायरेक्शन के लिए जाएंगे, क्योंकि ये एक तरह का जोन हम बोल सकते हैं, अगर मैं इसको जोन बना दूँ तो यहाँ तक का एक जोन है, हम इस लाइन को जोन बोल सकते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पे मैं 2 ट्रेड प्लेस कर दिया अपवर्ड डायरेक्शन के लिए, लॉजिक सेम जो मैंने अभी बताया, 2 ट्रेड मेरा प्लेस हो चुका है। अब देखते हैं कि ये ट्रेड का क्या होता है, अगर ये ट्रेड अपना लॉस होगा तो यहाँ पे आज का सेशन क्लोज होगा, और विन होता है तो फिर सेशन आगे तक चलेगा, ठीक है। फिर जैसे ये विन हो जाएगा तो हम यहाँ पे फिर एक ट्रेड प्लेस करेंगे, देन उसके बाद मार्टिंगल, तब जाके यहाँ पे सेशन क्लोज होगा, नहीं तो नहीं होगा, तो हम इसी चीज को फॉलो करेंगे। अभी फिलहाल देखते हैं क्या करता है ये मार्केट, ठीक है। वैसे जो ओपनिंग लिया है लेवल से ही लिया है और यहाँ पे थोड़ा सा गैप छोड़ दिया, तो मार्केट हो सकता है प्रेशर में है डाउनवर्ड डायरेक्शन के लिए, लेकिन ये एक लेवल है जिसके वजह से ऊपर ये मार्केट को जाना चाहिए और जा भी रहा है फिलहाल। अभी अपने पास यहाँ पे 17 सेकंड है, 17 सेकंड में मार्केट कुछ भी कर सकता है, कंफर्म तो नहीं है बट वेट करते हैं। देखिए क्या कर रहा है मार्केट, 11 सेकंड है, 7 6 5 फंस गया मार्केट, 3 2 एंड विन। चलिए ये ट्रेड अपना प्रॉफिट में क्लोज हुआ, अब क्या करेगा यहाँ पे कैंडल जो है इस लेवल को ये रिटेस्ट करने के लिए आएगा, मार्केट डायरेक्टली ऊपर नहीं जाएगा, अब ये कैंडल जो है रिटेस्ट करने के लिए आएगा, देन अगर ब्रेक करना होगा तो ब्रेक होगा या फिर यहाँ से फिर से मार्केट अप जाएगा, तो हम यहाँ पे वेट करते हैं क्या करता है। हो सकता है यहाँ पे ये कैंडल इस कैंडल ग्रीन भी बन जाए इस लेवल तक आने के लिए, लेकिन मार्केट को ये लेवल को टच करने के लिए आना चाहिए और आ भी रहा है। यहाँ पे देखिए 2-3 तरह का एनालाइज होता है, ऐसा नहीं कि मैंने ये चीज़ बोल दिया तो यही होगा कंफर्म है, ऐसा तो है नहीं, काहे कि मार्केट में कोई भी 100% नहीं है, हम तो फिलहाल अभी बिगिनर है, हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे मार्केट तो वही कर रहा है फिलहाल जो मैंने अभी बोला, तो इस तरीके से प्रिडिक्शन प्रैक्टिस करते करते आ भी जाता है। फिलहाल तो अपना मार्टिंगल विन हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है, अभी वीडियो चलेगा तो हम कहाँ तक जा पाते हैं देखते हैं, कि जो है मैंने पिछले 3 दिन का लॉस कवर कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, या फिर से मार्टिंगल मेरा लॉस होगा, तो देखते हैं क्या होता है, ठीक है। इससे क्या होगा, जितना हम ट्रेड कम अमाउंट का लेंगे उतना अपने को मार्केट का एक्सपीरियंस होगा। अभी तो फिलहाल मैं डेमो पे काम कर रहा हूँ, बट ये मैं इसको डेमो समझ के नहीं कर रहा हूँ, बिल्कुल प्रॉपर जो भी मनी मैनेजमेंट या फिर रूल को मैंने बनाया है उसी रूल को मैं फॉलो कर रहा हूँ। और बहुत सारे बड़े बड़े ट्रेडर बोलते भी है कि जो ट्रेडर 3 महीना तक अपने ही रूल को फॉलो कर ले वो सक्सेसफुल ट्रेडर बन जाए, वो फिर लॉस में हो चाहे फिर प्रॉफिट में, लेकिन वो जाके सक्सेसफुल ट्रेडर बन जाएगा। तो यहाँ पे क्या होता है, मोस्टली जो ट्रेडर है लॉस में जो है, मैं अपना खुद भी बोल रहा हूँ कि मैं हमेशा अपना रूल को तोड़ देता हूँ, मतलब मैं इतना ज़्यादा ओवर ट्रेडिंग करता हूँ कि बनाया हुआ पैसा भी मैं लॉस कर देता हूँ, ठीक है। एक बार क्या होता है, मैं
YouTube का पेमेंट आया था, मेरा एक और चैनल है केके गुरु, मैं उस पर वीडियो डालता था तो उस पर पैसा आया था 8,500 के तकरीबन। तो 1,000 मैंने कुछ खर्च करके मैंने 7,500 के जैसा मैंने ट्रेडिंग अकाउंट में डाला, उसको मैंने 42,000 बनाया था एक दिन में। और 42,000 में मैंने बनाया और उसी दिन मैं ट्रेड शाम में करते रह गया। अब सोच के देखिए कि मैंने जो है 7,500 से 40,000 बनाया, 42,000, और मैंने फिर शाम में आके ट्रेड करने लगा। तो देखिए हमेशा एक जैसा माइंड नहीं होता है, और वहीं पे अगर अपने को पता रहता कि हमको आज इतना ही बनाना है और जैसे यहाँ पे मार्जिन का लॉस होगा तो हम यहाँ पे क्लोज कर देंगे, अगर इस तरीके का रूल बनता है, लेकिन ये चीज़ फॉलो नहीं हो पाता है। इसीलिए मैं ये सीरीज स्टार्ट किया हूँ ताकि रूल को मैं फॉलो कर सकूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसीलिए ये सीरीज को स्टार्ट किया हूँ। तो चलिए देखते हैं क्या होता है। अभी तो फिलहाल ये डेमो है, मैं अकाउंट में डालूंगा अमाउंट, उसके बाद फिर रियल पे भी आएंगे, लेकिन हम पूरी तरीके से इस प्रैक्टिस को कंफर्म 100% कर लेंगे तब जाके इस मार्केट में उतरेंगे रियल अमाउंट के साथ। फिलहाल तो हम यहाँ पे डेमो पे ही करने वाला हूँ। कोई भी कुछ भी कमेंट करे, अपने को कोई दिक्कत नहीं, अपने को पैसा कमाना है, बनाना है, जिस तरीके से बने अपने को बनाना है, बस वो देखना है, ठीक है। तो मार्केट यहाँ पे थोड़ा गड़बड़ हो चुका है, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं जो वीक है वो कितना लंबा लंबा छोड़ रहा है। तो मार्केट को हम यहाँ पे क्लोज करते हैं और दूसरा शेयर, दूसरा मतलब इंडेक्स में जाते हैं। चलिए यहाँ पे जो है ये लेवल को ब्रेक किया है और जो मार्केट है लगातार जो है डाउन चल रहा है। तो यहाँ पे ज़्यादातर हम जो है डाउन अपॉर्चुनिटी देखेंगे कहाँ तक अपना चलता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अभी तो अपने को कुछ पता नहीं चलेगा, अब यहाँ पे हो सकता है, अनुमान लगा सकते हैं, मतलब 10% 90% भी नहीं कि मार्केट यहाँ से रिवर्स आए। इसलिए यहाँ पे मैं वेट करूँगा, ट्रेड नहीं लूँगा, और जैसे यहाँ पे मार्केट रिवर्स करेगा एक ग्रीन कैंडल में, देन हम डाउनवर्ड डायरेक्शन के लिए एक ट्रेड प्लेस करेंगे। इसके लिए यहाँ पे मैं वेट करूँगा एंड एक एसएनआर भी मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं ड्रॉ कर लेता हूँ। और मैं जो है एसएनआर अब डिलीट नहीं करूँगा, जो एसएनआर लग गया बस उसी एसएनआर को मैं आगे तक लेके जाऊँगा, ताकि यही सपोर्ट जो है आगे अपने को काम करे, ठीक है। अब यहाँ पे वेट करते हैं कि ये मार्केट क्या करता है। हम यहाँ पे एक कैंडल के लिए वेट करेंगे, डायरेक्टली तो ट्रेड नहीं लेंगे। अब आप ये पूछिएगा कि यहाँ पे आप लेवल क्यों लगाए। लेवल मैं यहाँ पे इसलिए लगाया क्योंकि यहाँ पे देखिए 00 नंबर का जो है राउंड नंबर है, तो राउंड नंबर से होता है कि मार्केट ब्रेक होता है। तो यहाँ पे जैसे एक कैंडल जो है ग्रीन बनेगा, देन हम यहाँ पे डाउनवर्ड डायरेक्शन के लिए एक ट्रेड प्लेस करने वाले हैं। तो वेट करते हैं क्या करता है, ठीक है। या फिर यहाँ पे एक कैंडल जैसे बिग बनेगा, देन भी हम यहाँ पे ट्रेड प्लेस करेंगे अपवर्ड डायरेक्शन के लिए, ठीक है। मार्केट फिलहाल तो बहुत देर तक नीचे जा रहा है, बट यहाँ पे हम रिवर्सल लेंगे, ठीक है। तो वेट करते हैं, यहाँ पे या तो कैंडल बिग बने या फिर यहाँ पे ग्रीन कैंडल बने। ग्रीन बनेगा तो हम डाउनवर्ड डायरेक्शन के लिए जाएंगे, और यहाँ पे अगर बिग बनेगा तो हम अपवर्ड डायरेक्शन के लिए जाएंगे, ठीक है। मैंने दोनों चीज बता दिया, तो वेट करते हैं। चलिए मार्केट जो है यहाँ पे बिग बना, मार्केट को नीचे जाना नहीं है, देन मैं यहाँ पे एक अपवर्ड डायरेक्शन के लिए एक ट्रेड प्लेस कर दिया है, ठीक है। अब ये ट्रेड का क्या होता है, मैं यहाँ पे 100% तो नहीं बोलूँगा, लेकिन 70% तो जरूर बोलूँगा कि ये ट्रेड विन होना चाहिए, क्योंकि मार्केट जो है यहाँ पे क्या किया है मैं आपको देखिए बता देता हूँ। मार्केट लगातार नीचे तो आ रहा है, लेकिन कहीं पे तो इसको ग्रीन बनना चाहिए, ऐसा तो है ना कि मार्केट लगातार नीचे जाएगा, तो मार्केट यहाँ पे ऊपर भी जाना चाहिए। इसलिए यहाँ पे मैंने जो है रिडक्शन किया और ये राउंड नंबर पे मैंने एक लेवल लगा दिया, लेवल लगाया और इसी लेवल पे मार्केट देखिए एक डोजी कैंडल बनाया। मतलब आप कह सकते हैं कि यहाँ पे जो है सेलर वीक हुआ, जिसके वजह से यहाँ पे मैंने एक ट्रेड प्लेस किया अपवर्ड डायरेक्शन के लिए। मैंने ट्रेंड के साथ नहीं गया है, बट देखते हैं क्या होता है, ठीक है। तो अभी 17 सेकंड है, मार्केट कुछ भी कर सकता है, तो वेट करते हैं। फिलहाल तो अच्छा खासा विनिंग में चल रहा है, बट वेट करते हैं, ठीक है। चलिए 7 सेकंड है और ये जो ट्रेड है अपना प्रॉफिट में क्लोज हो गया। चलिए प्रिडक्शन अपना 2 अच्छा गया आज देखते हैं क्या कर पाते हैं, कि पिछले का कवर कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं। ओके, तो ये ट्रेड अपना जो है प्रॉफिट में क्लोज हुआ। चलिए यहाँ का अपना जो है काम, जो भी अपने को एक ट्रेड चाहिए था वो मिल गया है। अब हम अपॉर्चुनिटी देखते हैं कहाँ पे क्या मिलता है। क्या है कि बाइनरी ट्रेडिंग में यही खासियत है, यहाँ पे हो सकता है क्या हो कि मतलब ग्रीन रेड का एक पैटर्न चल जाए, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं अगर ये कैंडल जो है, मैं यहाँ पे थोड़ा देख लेता हूँ जूम आउट करके कि क्या मार्केट कह रहा है। अगर डाउनवर्ड डायरेक्शन के लिए जाएगा तो हम ग्रीन तक का वेट करेंगे,
और अगर चलिए फिलहाल तो यहाँ पे मार्केट जो है डाउनवर्ड डायरेक्शन में ही चल रहा है, और यहाँ पे अगर देखा जाए तो एक ट्रेंड लाइन भी है, ठीक है। हाँ, एक ट्रेंड लाइन तो है यहाँ पे, चलिए कोई बात नहीं है, देखते हैं क्या होता है। मैं इसे एक ड्रॉ कर देता हूँ, ट्रेंड लाइन ही है और मार्केट का लेवल ये है, ये भी है, और हो सकता है ये ग्रीन भी बन सकता है। चलिए अगर यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनता है देन हम यहाँ पे जो है डाउनवर्ड डायरेक्शन के लिए ट्रेड प्लेस करूँगा। ये जो कैंडल चल रहा है प्रेजेंट में, अगर ये कैंडल ग्रीन बनता है और ग्रीन जो बनेगा इसके 50%, ये जो कैंडल चल रहा है इसके 50% पे ग्रीन बनेगा देन हम यहाँ पे ट्रेड प्लेस करेंगे डाउनवर्ड डायरेक्शन के लिए। मैं यहाँ पे एक जो है टूल लगाता हूँ डेट एंड टाइम का, एंड अगर पता चले तो हम बॉडी टू बॉडी लेते हैं। चलिए अगर हाँ 50% से मार्केट डाउन जा रहा है, अगर मार्केट इसके नीचे क्लोज दिया तो हम यहाँ पे एक ट्रेड जो है डाउनवर्ड डायरेक्शन के लिए जाएंगे। फिलहाल तो अपना जो है ओके 11 सेकंड है, 9 सेकंड है, देखते हैं क्या करता है। यहाँ पे मैं एक ही रेशियो पे काम कर रहा हूँ, क्या ग्रीन रेड, ग्रीन रेड पे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक डाउनवर्ड डायरेक्शन के लिए ट्रेड प्लेस कर दिया, ओके। तो मैंने एक डाउनवर्ड डायरेक्शन के लिए ट्रेड प्लेस कर दिया, अब इस टूल को मैं हटा देता हूँ। अब देखता हूँ कि ये जो ट्रेड है अपना प्रॉफिट में क्लोज होता है कि लॉस में क्लोज होता है। लॉस में क्लोज होगा तो मार्केट को फिर से हम अच्छी तरीके से एनालाइज करेंगे देन मार्टिंगल यूज करेंगे। ओके, मार्केट तो ऊपर से रिजेक्शन ले रहा है। चलिए 21 सेकंड है अपने पास, 16 सेकंड है, कर सकता है लास्ट सेकंड में भी आके ये ट्रेड विन कर सकता है, अभी तो बहुत टाइम है। और मार्केट यहाँ पे जो है रिजेक्शन ले भी रहा है, ठीक है। 8 सेकंड है, मार्केट तो नीचे आया था फिर ऊपर चला गया है, 4 सेकंड क्या करवाएगा यार। चलो ओके, तो ये ट्रेड अपना प्रॉफिट में क्लोज हुआ। मार्केट के क्लोज तो दिया जहाँ पे मैंने ट्रेडिंग किया था वहीं पे, लेकिन ओपनिंग जो हुआ उससे थोड़ा नीचे हुआ, तो अपना ट्रेड प्रॉफिट में क्लोज हो गया। ओके चलिए, आज जो है एक ट्रेड मेरा लॉस हुआ है और 1, 2, 3, 4 ट्रेड अपना प्रॉफिट में गया है, तो थोड़ा बहुत मैंने लॉसेस को कवर किया है, ठीक है। 5% मैंने जो कल लॉस किया था, मतलब 500 रुपया, उसको मैंने आज लॉस किया मतलब कवर कर लिया अभी तक। और अभी अपने पास यहाँ पे जो है 1100 रुपये का लॉस है, तो मैं उसको भी, 2 दिन का लॉस है तो उसको भी तो रिकवर करेंगे। इसीलिए मैंने जो ऐसा सिस्टम बनाया, क्या बनाया, प्रॉफिट जहाँ तक जाए। अगर मैं पूरा दिन ट्रेड करूँ तो पूरा दिन अगर मेरा लॉस नहीं जा रहा है, मार्टिंगल भी विन हो जा रहा है, तो हम यहाँ पे पूरा दिन ट्रेड मतलब चलाते रहूँगा, मतलब करते रहूँगा। और जैसे मार्टिंगल यूज मतलब मार्टिंगल मेरा फेल कर जाएगा देन हम यहाँ पे सेशन को क्लोज कर देंगे। अमाउंट चाहे जितना बढ़े अपने को उससे कोई मतलब नहीं, यही एक अच्छा तरीका मैंने सोचा है। काहे कि मैंने रूल तो बहुत बनाया बट किसी को मैं फॉलो नहीं कर पाया हूँ, ठीक है। इसी के वजह से मैं अभी भी लॉस में चल रहा हूँ, तो मैं इसको कवर करने के लिए कुछ तो दिमाग लगाऊंगा, बैठूंगा तो नहीं। चलिए यहाँ पे देखिए क्या हुआ था, मैंने जो बताया था सेम चीज़ हुआ था, मार्केट यहाँ पे आया, यहाँ से मार्केट अब गया है और इसको भी ब्रेक कर दिया, तो मार्केट का ज़्यादातर चांस जो है अब अपवर्ड डायरेक्शन में ही है। अब देखते हैं कि क्या कर रहा है मार्केट। अगर मार्केट, मैं आपको यहाँ पे भी समझा देता हूँ, जैसे इस लेवल को मार्केट यहाँ पे ब्रेक किया है और इस मार्केट में जैसे ये जो कैंडल आ रहा है या फिर नेक्स्ट कैंडल आए, अगर इस लाइन को ये टच करता है या फिर यहाँ पे जो है गैप नहीं रहता है, तो हम यहाँ पे अपवर्ड डायरेक्शन के लिए जाएंगे ट्रेड लेके, ठीक है। तो अभी यहाँ पे वेट करते हैं, अपने को अपॉर्चुनिटी मिल सकता है। वैसे मैंने अपॉर्चुनिटी यहाँ पे गवा दिया, मार्केट मैंने जो बोला था वही यहाँ पे हुआ भी है जैसे कि आप देख सकते हैं। और यहाँ पे मैंने इस कैंडल पे ट्रेड भी लिया था, पहला ट्रेड लिया था लॉस, पहला या दूसरा ट्रेड था कुछ ऐसा ही था, मतलब लॉस नहीं हुआ था अपना, ठीक है। और ये कहाँ पे हुआ था, माइक्रोसॉफ्ट पे भी हुआ था पहला ट्रेड लॉस, कुछ ऐसा था, मतलब यहाँ से था कि कहाँ से था, हो सकता है मार्टिंगल पे मैंने इसको विन किया था। अभी ये कैंडल जो है यहाँ पे जो प्रेजेंट में कैंडल चल रहा है, ये कैंडल यहाँ पे ग्रीन नहीं रेड बन सकता है इस लेवल को टच करने के लिए, देन उसके बाद यहाँ पे ग्रीन बनेगा ये कैंडल, ये मेरा श्योर शॉट हो जाएगा अगर ये कैंडल इसको अच्छी तरीके से फुलफिल कर रहता है। तो वेट करते हैं, 1-2 मिनट वेट करने में कोई दिक्कत है नहीं, ठीक है।
ओके, तो अभी और कैंडल बन सकता है, रेट थोड़ा गैप और है, थोड़ा गैप और है, तो एक कैंडल और यहाँ पे जो है रेड बन सकता है। तो वेट करेंगे, भले मार्केट इस लेवल को टच करके ऊपर जाए, हम ट्रेड प्लेस फिलहाल इस कैंडल पे तो नहीं करने वाले हैं, ठीक है। तो वेट करेंगे, अगर ये कैंडल यहाँ पे जो है रेड बन के इसी लेवल पे क्लोज देता है, देन हम यहाँ पे अपवर्ड डायरेक्शन के लिए ट्रेड प्लेस करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे, ठीक है, इग्नोर कर देंगे। इसी तरीके से ट्रेड करते करते क्या हो जाएगा, बहुत अच्छा जाए, बहुत अच्छा सा एक रूल बिल्डअप हो जाएगा कि कहाँ पे अपने को ट्रेड लेना है, कहाँ पे ट्रेड नहीं लेना है। तो इस तरीके से फॉलो होगा तो फिर अपना जो लाइव सेशन होगा, फिर लाइव अकाउंट से होगा, वो बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से होगा, ठीक है। तो वेट करते हैं, ओके। तो इस लेवल को ये जो है रिटेस्ट ले रहा है, इस लेवल को तो आसानी से ब्रेक कर दिया, लेकिन यहाँ पर हमको लग रहा है कि बायर है, यहाँ से मार्केट रिजेक्शन ले रहा है। अब इसके बीच में कहीं भी क्लोज दे, हम यहाँ पे अफवा डायरेक्शन के लिए जाएंगे। 4 सेकेंड है, ओके, सॉरी। देखिए यहाँ पे ये जो ट्रेड है लॉस हो सकता है, मैंने जो है क्लोजिंग से पहले मैंने ट्रेड प्लेस कर दिया, लेकिन आप देख सकते हैं मार्केट 1 सेकेंड में इतना इसको ब्रेक कर दिया है। अब ये फॉल्स ब्रेक किया है, रियल ब्रेक किया है, ये तो इस कैंडल को बनने के बाद पता चलेगा। मैंने तो यहाँ पे एक अफवा डायरेक्शन के लिए ले लिया था, काहे कि 59 सेकेंड तक मार्केट इसी लेवल पे था यहाँ पे, बट यहाँ पे अचानक 1 सेकेंड में मार्केट यहाँ पे खींच लिया और मैंने एक ट्रेड भी प्लेस कर दिया, पंच कर दिया था, जिसके वजह से देखिए ट्रेड भी ओपनिंग पे ही लगा है। अब देखते हैं कि ये ट्रेड क्या होता है, रिस्की हो गया ये ट्रेड। अगर अपना ट्रेड यहाँ से शुरू होता या फिर यहाँ पर ये ट्रेड कैंडल क्लोज होता तो अपना ट्रेड विन हो जाता, बट यहाँ पे गड़बड़ हो गया है, ठीक है। तो इस कैंडल को हम, अगर ये प्रॉफिट भी हो जाता है तो ये कैंडल आप लक समझ सकते हैं, बट देखते हैं क्या होता है, ठीक है। मार्टिंगल तो अपने पास है ही, रूल तो फॉलो करेंगे। चलिए अपना जो ट्रेड है ये तो बर्बाद हो गया, नीचे क्लोज दे दिया, जिसके वजह से ये ट्रेड लॉस हुआ है। हम चलिए कवर करेंगे, ओके। यहाँ पे कोई लेवल है क्या? एक लेवल है, तो यहाँ पे मैं और हम देख लेता हूँ साथ। चलो मैं यहाँ पे जो है 2 ट्रेड प्लेस कर दिया अपवर्ड डायरेक्शन के लिए, मार्टिंगल यूज किया। मार्टिंगल उसी के लिए यूज किया जो मैंने लॉस किया था, और मैंने यहाँ पे ट्रेड क्यों प्लेस किया उसको भी मैं आपको समझा देता हूँ। यहाँ पे थोड़ा गैप है, कंफ्यूज था मैं, बट देखता हूँ क्या होता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए एक लेवल है, जैसे कि अगर आप देखें ये लेवल है, यहाँ पे भी ये मार्केट टच किया है, पहला ये टच, दूसरा ये टच, तीसरा ये ब्रेक कर दिया था, और इसी कैंडल ने ये रिटेस्ट करके फिर से गया था, और इसीलिए मैंने यहाँ पे ट्रेड भी प्लेस कर दिया है अपवर्ड डायरेक्शन के लिए, और मार्केट जो है देखिए गड़बड़ कर दिया, और अपना जो सेशन है आज यहाँ पे क्लोज करता हूँ। चलिए आज कुछ ज़्यादा लॉस अपना नहीं हुआ है, चलिए अपना जो आज का सेशन है वो क्लोज में करता हूँ, बिकॉज यहाँ पे देखिए मेरा मार्टिंगल लॉस हो चुका है। पहला ट्रेड ये है, दूसरा ट्रेड ये, और ये मार्टिंगल हो गया, MTZ ये लॉस हुआ, सेशन क्लोज हुआ। अब मैं यहाँ पे ट्रेड नहीं लूँगा, आज फिलहाल तो मेरा कुछ ज़्यादा लॉस नहीं हुआ है, बिकॉज मैंने थोड़ा प्रॉफिट कर लिया था, जिसके वजह से 150-150 रुपये का लॉस हुआ है, तो ये अच्छा हुआ है ना। मतलब इस तरीके का रूल फॉलो करेंगे तो बहुत जल्दी जो है सक्सेसफुल ट्रेडर बन जाएंगे, ठीक है। तो आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और मेरा जो रूल है वो भी आपको पसंद आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।